एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस आप सभी को ईद गौसिया मुबारक हो और आप लोगों को अल्लाह खुश रखे, आप लोगों की दुआ कबूल करे और हर किसी का अच्छा हो भला हो। और गाइस यहां पर सुबह सुबह अरसलान भाई आ चुके हैं एडिटिंग करके वीडियो दिखाने के लिए और बहुत ही शानदार तरीके से बैठे है कुर्सी पे। मैं भाई कहीं नहीं जा रहा हूँ, बट छोटे भाई कपड़े पहन लिया मैंने हल्के से, मतलब साइज ही बढ़ते जा रही है हम लोगों की, साइज कमी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा थोड़े दिन में फैल के ना, ऐसा लग रहा शॉले उड़नी पड़ेगी खड़ी रस्ते में जाके, कपड़े साइज के मिलने नहीं वाले। और गाइस यहाँ पर मम्मी बना रही है एंड मम्मी अंडा, तो आज नॉर्मल अंडा बना रहे मेरे लिए, जाने का सामान लेने उसका बंद हो जाएगी दुकान है। हाँ ठीक है जाओ चलो। और गाइस आप लोगों को एक बात बता दूं, मम्मी ने रोटी का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा निकाला जिससे मम्मी की मेहनत थोड़ी बच जाती है और ऑब्वियसली बात है हर औरत की मेहनत बचनी चाहिए। मम्मी है ना ये रेडीमेड रोटी लाते हैं, क्या करने रहते हैं उसको कुछ नहीं, बस हल्का से रहते घी या तेल डालो और छोरा सा करो तो बस फूलती है। कितने की आती है? 100 रुपए 25। गाइस और गाइस लिटरली ये रोटी है ना नॉर्मल रोटी की तरह ही लगती है, जरा भी डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल घर की रोटी है, बस ये क्या रहता है फ्रोजन रहती है, कच्ची पकी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नाश्ता करते हैं और फिर जाते हैं। गाइस हम लोगों को आज भी बांटना है, जो जुलूस में लोग निकलते हैं उन लोगों को हम लोग फ्रूटी बांटेंगे। हम लोग पिछली बार माजा बांटे थे बट इस बार हम लोग माजा नहीं बांटेंगे क्योंकि बॉयकॉट इसराइल। गाइस हम लोग को इसराइल के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं बांटना है ना प्रमोट करना है, इसीलिए हम लोग अभी ये फ्रूटी बांटने वाले हैं। और गाइस जैसा कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बोला था कि हम लोग निदा की बिल्डिंग के नीचे बांटेंगे, तो यस गाइस निदा की बिल्डिंग के नीचे ही बांटने वाले हम लोग, बहुत मजा आने वाली। नाश्ता करके चलो फटाफट चलते हैं, जुमा की नमाज भी पढ़ना है हम लोगों को, जुमा की नमाज भी पढ़ेंगे और फिर बहुत भूल गया मैंने, रखता हूँ। सो गाइस दानिश आ चुका है मेरा जुम्मा का पार्टनर, हर जुम्मा हम लोग साथ में नमाज पढ़ते हैं। चल भाई फटाफट नमाज पढ़ के आ जाए, फिर अपने को नियाज भी बांटने जाना है जुलूस में, लेट्स गो गाइस। सो गाइस हम लोग नमाज पढ़ के निकल चुके हैं और अभी केक लेने का, केक भी तो बांटना है अपने को, फिर केक भी ले लेते गाइस और फ्रूटी का ऑर्डर मैंने दे चुका हूँ, फिर देखते आगे क्या करेंगे। सो गाइस फाइनली मैं और दानिश नमाज पढ़ चुके, नमाज तो पढ़ ली मैं आप लोगों को बताया गाइस, और हम लोग फ्रूटी वगैरह के लिए भी गए थे। और फ्रूटी गाइस है पार्ले कंपनी की, पार्ले कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इंडियन कंपनी को ही हम लोग बांटेंगे। तो गाइस अभी सबसे हम लोग ने 11वें शरीफ मिले नहीं थे, मैं सोचा था कि जुम्मा पढ़ के आऊंगा फिर सबसे 11वें शरीफ मिलूंगा। बड़ा अभी मुबारक हो, क्या बात है माशाल्लाह, इसकी हाइट बहुत बड़ी है, 11वीं शरीफ मुबारक हो बेटा। बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, जुग जुग गाइस ये डिस्चार्ज होके आ चुकी है नौशीन, तो गाइस हाय बोलो नौशीन को, हाय। और अभी मम्मी के साथ, मम्मी के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज। मिल लिए, अब्बा गए हैं नीचे फ्रूटी का इंतजाम कर रहे हैं, सब लोग जमा कर रहे हैं, तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे बांटने के लिए। और माशाल्लाह गाइस नौशीन का बेबी इतना खेल रहा है, मैं इतना मस्ती कर रहा हूँ, मतलब मेरे को पहचान नहीं रहा, उसको समझ भी नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी डेंजर आवाज सुन के गाइस वो हंस रहा है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय हाउ आर यू, फाइन दादर कुरला साइन। कैसा बैठा है ना मिया, कुछ करके ही ऐसा। ये नानी माँ हमारी, चटनी निकली। मतलब बच्चा आने के बाद हम लोगों की लाइफ ऐसे चेंज हुई है कि आज सुबह में मैं, मम्मी, नौशी, नब्बा, हम लोग सब बच्चे को चारों तरफ घूम के बैठे हैं, वो मैं ड्रॉप निकाल रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि 5 ml बराबर है कि नहीं, बच्चे को ज्यादा नहीं चाहिए, बच्चे को कम नहीं चाहिए, इतनी मजा आ रही है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारा बेबी भी आ जाएगा तो उसके साथ भी कितनी मजा आएगी, इसके लिए नौशी के साथ मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, सब सीख रहा हूँ, मैं टेंशन में था, तेरे को भी सीखा। और गाइस कुछ चीजें, सब चीजें नेट पे देख के वो मैसेज करता है, ये शहद नहीं पिलाना बच्चे को, सही होता है, सब बोलता है मैं तेरे को ढूंढ ढूंढ के भेजूंगा, तो सब उस पर गौर करना। हाँ बेटा ये सब काम तेरा है, तेरे को उसका साथ देना है, समझा? दो माँ नहीं बाप भी है बेटा, बाप को 40 दिन तक है ना तेरे को बच्चे के पास पूरा टाइम रहना है, क्यों मालूम? क्योंकि बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तेरे को उसको हैंडल करना आना चाहिए, समझा? तुम जाओ क्या, तू साथ में रह यहाँ पर। अरे उठा अब्बा का। तो गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं दानिश को समझा रहा था कि भाई ये काम तेरा है, 40 दिन तक देखो बच्चे के साथ रहना है, सुन मेरी बात, बच्चे को कुछ भी हुआ तो यहाँ पर सब लोग है, तू ध्यान रखेगा, तो कोई तेरे आसपास नहीं हुआ तो तू बच्चे का ध्यान रख सकता है। अच्छा बता, अच्छा एक सेकंड बता, तालू नीचे आ जाए तो क्या करना रहता है? वाह 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 वाह, तालू ये इसको तालू का मतलब ही नहीं मालूम है, देखा तेरे को मालूम ही नहीं, ऐसा मालूम रखने का कभी भी है ना, हो सकता है ना तो प्रॉब्लम हो, साथ में रहा कर पूरा पूरा दिन तू। अरे कौन सा, तेरी अंबानी की जहाज चलती है,
ये गाइस बच्चे को शिपमेंट चढ़ाता है, चलो झूला झूला, इसको झूलाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बुरा मुझे लग रहा है नौशीन के लिए, क्योंकि वो बिचारी ना 3 दिन से जब से वो हॉस्पिटल में थी तब से बोल रही है कि जब से बच्चा आया है माँ को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो आपका क्या कहना है नई जनरेशन के लिए? यही होता है, बच्चा जब तक आता है जब तक माँ की केयर होती है, बच्चा आ जाता है तो माँ को भूल जाते हैं, बच्चे के पीछे जब पाला बच्चे से बातें करते रहते हैं, माँ को कोई पूछता ही नहीं। सही बात है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख माँ को ही होता है बच्चा पैदा करने में। सही बात है गाइस, निधा से ही नहीं, अभी फिलहाल तेरे टेंशन, निधा को तो टाइम है अभी, तेरा अभी सोच के समझ रही है। आमीन आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ और तेरा, अब तू कल से यहीं पर रहेगा, समझ में आया? चलो ठीक है। सो गाइस यहाँ पे अब्बा ने बहुत ही बड़ा दावा कर दिए, मैं ना बच्चे से बात करता हूँ तो बच्चा चुप हो जाता है। अब्बा बोलते मैं बात करता हूँ तो चुप होता है, बच्चा भी रो रहा था मम्मी ने गोद में तो चुप, अब्बा बोलते कि मैंने चुप करा। करो अच्छा, कैसा चुप करा दे? कैसा चुप करा दे तुम बताओ? तुमने बोले रो दिया, ये देखो तुमने बोला रो दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, हंस रहा है, हंस रहा है, देख देख देख, हंसा हंसा, ए ए रोया रोया, अलो लो लो लो, मम्मा को का हुआ? ये बकरे का नाम दे दिया, देख रहे हो रोशन, सीधा बकरे का नाम दे दिया इन्होंने, थोड़े टाइम में इसको ना टॉमी नहीं बुलावे। सो गाइस बेबी के लिए घर में बहुत सारी चेंजेस करने पड़ रहे हम लोगों को। यहाँ पे मम्मी का जो फिश टैंक है उसका है ना गाइस ये बाहर निकला हुआ है। नौशीन और मम्मी बच्चे को लेके जब चलते हैं ना यहाँ पर तो रिस्क रहता है कि यहाँ पे बच्चे का सर नहीं लग जाए इधर पे, तो इसके लिए हम लोग स्पंज बांध रहे इधर ताकि बच्चा सेफ रहे। ठीक है, एक दो बार मेरे को भी लगा था, हाँ बैंड हो गया अभी वो, तभी थोड़ी याददाश्त कमजोर हो गई। अब्बा अभी इधर तो बोलेंगे कि दुकान में मिलता है लेकिन जाने का टाइम नहीं, आज 11वीं शरीफ में बंद हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, मैं समझ नहीं भी आ जाएगा। तो गाइस मैं अभी नौशीन को सिखाने वाला हूँ ये गद्दे का इस्तेमाल कैसे करते, जो कि निदा ने मुझे सिखाई है। तू भी सीख ले, देखो भी ध्यान रखना चाहिए अपने हाथ से, पता लगेगा तुम्हें। ये ऐसा हाथ ऊपर ले, हाथ नहीं, अबे भाई ये क्या करती है, पीछे ले इसको, एकदम एकदम पीछे ले, अबे पागल हो रहा है, पीछे ले और एकदम पीछे ले, ऐसा बच्चे को यहाँ कैसा लग रहा है? अभी सही लग रहा है, मस्त है ना बेटा? इसके लिए तो लाए थे हम लोगों ने, तो प्रेगनेंसी के बाद भी काम आए, समझी? अब्बा बराबर फ्रेम में आके बैठ के कैमरे। सो गाइज अस्सलाम वालेकुम और आप सभी को 11वीं शरीफ मुबारक। तो गाइज मैं उठी हूँ जब से, नमाज हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा काम था थंबनेल का तो वो सब काम करके फिर अभी मैं जाके फ्री हुई, तो मैं सोची क्यों ना व्लॉग लिया जाए, हमारी ऑडियंस से बात किया जाए। और हमारे से मिलने आई है आरती। हेलो, तो आरती कल भी आई थी मुझसे मिलने के लिए और अरसलान भाई भी आए थे जो जा रहे हैं, अभी एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो वो जा रहे हैं बाहुबली काम पे। तो अरसलान भाई जा रहे हैं सुफियान के यहाँ पे, बिकॉज सुफियान ने बुलाए हैं, उनको मदद की जरूरत है, कुछ बांटना है। यस ओके बाय बाय। और डड्डू तुम क्यों नहीं गए? वो सब जगह जाना है ना अभी, जस्ट डड्डू एक्चुअली मम्मी के काम से बाहर गए थे, मम्मी का एग्जीबिशन चल रहा है, तो मम्मी के एग्जीबिशन के लिए भी डड्डू को भागम दौड़ी करनी है, और फिर यहाँ के लिए भी डड्डू को यहाँ पर आना था, तो डड्डू वापस आ गए यहाँ पर भी कि ये नीचे बांटने का है, तो इसीलिए अब फिर से डड्डू वापस जाएंगे परे क्योंकि मम्मी का एग्जीबिशन चालू है। क्या ना डड्डू, हम लोग से ज्यादा बिजी हो तुम, बताओ आज ऑफिस जाना था, ऑफिस भी नहीं। तो गाइज मैं भी सोची थी कि मैं भी जाऊंगी नीचे, सबको अपने हाथ से बांटूंगी नियाज, बट कुछ ऐसी चीजें हो गई है मेरे साथ कि मैं नहीं जा सकती नीचे, मुझे फिर से थोड़ी कमजोरी लग रही है बॉडी में, बट कुछ नहीं, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर मुझे थोड़ी सी हेल्थ अच्छी लगी तो मैं नीचे सिर्फ जाकर, क्योंकि मेरे बिल्डिंग के सामने से जाने वाला है, तो मैं नीचे जाके सिर्फ देख कर आ जाऊंगी। तो गाइस फाइनली अब वक्त आ चुका है, हमें जाना है बांटने हमारी फ्रूटी, तो हमारी सारी फ्रूटी यहाँ पे पड़ी हुई है गाइस, अब इसको हम लोग लोड करेंगे हमारी गाड़ियों पे और फिर लेके जाएंगे हम लोग निदा की बिल्डिंग के नीचे और वहाँ पे जाके बांटेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे गाइस, बहुत मजा आने वाली है, तो लेट्स गो। बेचारे बच्चे के सर पे इतना बोझ डाल दिया दानिश ने, खुद को कम उठाना पड़ा करके, ये क्या तेरे पास है, मैं चला रहा हूँ, तू अभी वो लेके कूदने बैठ गया इधर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर सेट के पास, सब लोग आ चुके हैं गाइस और इधर पूरा सेटअप जा रहा है, बट सीन ऐसा है कि मुझे लग नहीं रहा है कि जुलूस अभी बचा है, इतना टाइम हो गया है हम लोगों को कि पब्लिक बहुत कम दिख रही है, बट फिर भी लेट्स होप कि इतना सारा जो हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने और भी ऑर्डर किया इसके अलावा, और ये सब भी बढ़ जाए। प्यान भाई बात करने वाले अभी, छोड़ो छोड़ो,
फाइनली हम लोगों ने बांट दी है सारी फ्रूटी और थोड़ी फ्रूटी में यहाँ पर भी लेके आया निदा के लिए। निदा बैठ के पिएगी ऊपर। ये गाइस नीचे ना गाइस क्राउड ही नहीं था, पब्लिक ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा जुलूस ही खाली खाली है। तो मेरा चलो ठीक है, बची हुई छह में लेके आया था यहाँ पर। और यहाँ पर असलम भाई उठे फैन बनने बहुत ही लेट। और गाइस असलम मैंने नया फोन ले लिया, बहुत बहुत मुबारक असलम भाई, बहुत बहुत अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे माशाल्लाह। आमीन। देखो भीख मांग रहा उसको बताओ। अरे आंटी आपको बड़ा दिन मुबारक, तो वरना भूल ही गया था। मेरे को पता नहीं था कि इसमें भी करते कि नहीं करते, मेरे को ध्यान नहीं था, बचपन में किया था मैं। मैंने किया। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तो सही बात है, सही बात है। तो गाइज जैसे कि आपको मैंने बोली थी कि डड्डू बहुत बिजी है आजकल बेटी के लिए टाइम नहीं मिलता है, और मैंने पहले ही मिल चुकी थी उनसे, बट मैं व्लॉग लेना भूल गई थी। बड़ी रात मुबारक। अरे मैं तो तुम भी नहीं, मैं तो मिला ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही मिल रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ मैं। तो गाइस हम लोगों ने बांट के आ चुके हैं। पूरा अंकल भी बहुत फटाफट एकदम बोले बांट बांट, बोले बेटा बांट, एकदम खतरनाक फास्ट काम हो गया फटाफट। लेकिन चलो अच्छा है, चलो अभी वीडियो कॉल करके तुम्हारे घर पे भी बोलूं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अच्छी बेटा तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी। बड़ी रात मुबारक। मुझे मालूम ही नहीं कि आज बोलते हो तो सुफियाना बोले बोले, मतलब ऐसा विश करते हैं। कहाँ अब्बा, कहाँ है? अब्बा तो नीचे। अच्छा नौशीन कैसी है अभी? नौशीन के बच्चे को भी बोल दो अस्सलाम वालेकुम। हाँ नौशीन के बच्चे को भी अस्सलाम वालेकुम। वो दिमाग की ढंग का फर्जी करता है। अस्सलाम वालेकुम हजरत, ऊर्जा शहरी का वक्त हो चुका है। कसम से हंसती है, जैसे अस्सलाम वालेकुम हजरत शहरी का वक्त हो चुका, दौड़ी आती है। इसकी भी तबीयत खराब हो गई अम्मी, उल्टियाँ कर रही है, मेरे को चक्कर आ रही है बार बार, बहुत लो बीपी हो जा रहा है। हाँ वही मम्मी बोले, करती हूँ अभी मैसेज। तो गाइस निदा को बहुत मन था नीचे आने का बांटने के लिए, और नीचे सब लोग पूछ रहे थे निदा के बारे, बट निदा की तबीयत फिर से खराब हो चुकी है। निदा को बहुत ही ज्यादा वीकनेस, बहुत ही ज्यादा चक्कर, बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, और उसको जरा भी नहीं अच्छा लग रहा है, और ये थोड़ा नाराज भी है मेरे से, क्योंकि गाइस को थोड़ा टाइम पहले मैंने वीडियो कॉल किया था, इसने को बोली मेरे को चक्कर आ रही है, बोला हाँ ठीक है चलो रखता हूँ। तो गाइस ये गुस्सा हो गई, बोले तुमने मेरे को पूछे नहीं कि मेरे को चक्कर क्यों आ रही है, क्या आ रही है, मैं थोड़ा मनाने आया हूँ उसको। मुझे बताओ जब औरत को ना घर वाले रहते हैं सपोर्ट के लिए, और जो आदमी से एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो औरत को कोई और इंसान से एक्सपेक्टेशंस नहीं। सही बात है, सही बात है। मतलब बच्चा होने के बाद भी ऐसे बोलते ना, अभी नौशीन का भी बेबी हो गया, तो उसको भी ऐसा है कि यार मेरे को कौन पूछेगा, तो आदमी से ही एक सही वो बात रहता है। इसके लिए मैं लोग को सिखाता हूँ हमेशा, देखे जो लोग जो कुआरे लेटे ये लोग समझते नहीं है, समझे, इसके लिए समझाते रहता हूँ मैं लोग को ऐसा कैसा करने का। देखो बच्चे टेंशन है अपने को, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कितने अच्छे से ग्यारहवीं शरीफ मनाया, और निदा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो अभी थोड़ा रेस्ट करने देते हैं उसको, और ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। Love you. Allah Hafiz.